24 लेकिन माइनस का, ठीक है। तो ये देखिए आपका आंसर आ गया लास्ट वाले पार्ट का 5.873 इनटू 10 टू द पावर माइनस 24 किलोग्राम। ओके कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कह रहा कंप्यूट द डिफरेंस इन द मासेस ऑफ 10 टू द पावर 3 मोल्स ईच ऑफ मैग्नीशियम एटम्स एंड मैग्नीशियम आयंस। अब देखो बच्चों मैग्नीशियम के बारे में आपको नॉलेज है, देखिए मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है आपने पढ़ा है Mg होता है, और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 12 होता है, और एटॉमिक मास कितना होता है इसका 24, ठीक है ये आपने पढ़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हमको एटॉमिक नंबर से मतलब है, क्योंकि हम करने जा रहे हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आइए जरा हम बच्चों 12 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं सिर्फ एटॉमिक नंबर को कंसीडर करिएगा, 12 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.8.2, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2.8.2। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये जो मैग्नीशियम है ठीक है, ये अपना ऑक्टेट कब कंप्लीट कर लेगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, चेक कर लो तभी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इक्वेशन होगी वो कैसे होगी, ध्यान से जरा चेक करिएगा, इक्वेशन होगी कि भाई मैग्नीशियम गिव्स व्हाट, मैग्नीशियम गिव्स, अच्छा ध्यान दें स्टूडेंट्स, जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो जितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पढ़ा है आपने, ठीक है। तो ये देखिए मैग्नीशियम ने क्या किया, ये प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे बाहर कर दिए, ठीक है। 2e का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर क्या आ जाएगा, 2 पॉजिटिव आ जाएगा। तो ध्यान से चेक करो, कोई डाउट है बताओ, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, जब मैग्नीशियम, ये तो मैग्नीशियम का क्या है एटम है, लेकिन ये मैग्नीशियम का क्या है आयन है, दिख रहा है ना, ये मैग्नीशियम का क्या है एटम है, और ये मैग्नीशियम का क्या है आयन है, ठीक है। तो बताओ कौन भारी कौन हल्का, एटम भारी होगा और आयन हल्का होगा, क्यों, इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के बाहर निकल गए, अरे इलेक्ट्रॉन का भी तो कुछ मास होता होगा। अब एक एक मैग्नी वन मैग्नीशियम के एटम में से कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 2, बात समझ में। और इसी इक्वेशन को बच्चों आप मोल कॉन्सेप्ट से भी पढ़ सकते हो, चेक करो यहां पर मैग्नीशियम का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, मतलब मैग्नीशियम के आगे कोई नंबर नहीं लिखा है तो भाई 1 मानेंगे, यानी कि 1 मोल मैग्नीशियम, 1 मोल मैग्नीशियम आपको क्या देता है बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये वाले मैग्नीशियम के आगे क्या है 1, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन के सामने क्या है 2। तो आप क्या पढ़ोगे बताओ, कि 1 मोल मैग्नीशियम से हमको 1 मोल मैग्नीशियम के आयन मिलते हैं, साथ में हमें 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, नहीं समझ में आई बात, समझ में आ गई बात, 1 मोल मैग्नीशियम के एटम से, सॉरी 1 मोल मैग्नीशियम से 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ओके। तो 1 मोल मैग्नीशियम से हमें 1 मोल मैग्नीशियम के आयन मिलते हैं, लेकिन 2 मोल इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, सीधा सा फंडा है बच्चों, बहुत सीधा सा है, पता है नंबर का गेम है भाई, खुद दिमाग लगाओ, जब एक मैग्नीशियम का एटम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, ठीक है, एक मैग्नीशियम का एटम अगर 2 इलेक्ट्रॉन ही तो निकालता है तभी तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो यहां पर 1 मोल मैग्नीशियम के 1 मोल मैग्नी, अगर ध्यान से अगर आप थोड़ा सा सीधे सीधे भी सोचो तब भी आपको समझ आ रहा है, आप इक्वेशन ना देखो सीधे सीधे सोचो कि 1 एटम कितने इलेक्ट्रॉन निकालता है 2, तो जितने सारे एटम होंगे उसी का जस्ट डबल इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो अगर हम बोल रहे हैं 1 मोल एटम है, तो 1 मोल एटम मैग्नीशियम के 1 मोल एटम कितने मोल इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 मोल्स, सिंपल है, बात समझ नहीं। वैसे भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है क्लास में कि कोई इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन लिखने के बाद वो बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये देखो बैलेंस है चार्ज वाइज सब, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कितना है 0, यहाँ पे भी चार्ज 0 है, कैसे चेक करो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस है और 1 इलेक्ट्रॉन पे माइनस 1 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगा 2 माइनस, तो 2 माइनस इसकी वजह से और 2 प्लस इसकी वजह से, तो ये भी क्या है टोटल न्यूट्रली जो है, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। और एक बात आपको बता दें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी लग रहा है यहाँ पे, कैसे, मैग्नीशियम के जो एटम का मास है वो टोटल कैसे निकलेगा, मैग्नीशियम के आयन का मास प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का मास, बात समझ में आई। तो यहाँ पे इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस इक्वेशन है, और जब बैलेंस इक्वेशन कोई भी लिखी होती है तो वहां पर हम मोल कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, आपने पढ़ा है कि भाई इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 मोल मैग्नीशियम से हमें कितना मिलेगा 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से देखिए हम यहाँ सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या कि 1 मोल मैग्नीशियम, 1 मोल मैग्नीशियम एटम्स differs from 1 mole, ध्यान दीजिएगा था, 1 mole magnesium differs from 1 mole magnesium ions by 2 moles electron, by 2 moles electron, बताओ मैंने इसमें क्या लिखा गलत, बताओ मैंने इसमें कुछ गलत लिखा, 1 mole magnesium
के एटम जो है वो वन मोल मैग्नीशियम के आयन से कैसे डिफर करते हैं, ओनली टू मोल इलेक्ट्रॉन से। बात समझ आएगी नहीं? मतलब समझो ना कि ये भारी होगा ये हल्का होगा तो इसके मास में कितना डिफरेंस होगा। तो जवाब है अगर ये वन मोल है मतलब वन मोल मैग्नीशियम के एटम है, वन मोल मैग्नीशियम के आयन है, तो इन दोनों के मास में कितने का डिफरेंस होगा, टू मोल इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल का डिफरेंस होगा। अब इन्होंने आपको कितने दिए हुए हैं, ध्यान से चेक करो, 10 की पावर 3 मोल्स ऑफ ईच मैग्नीशियम एटम एंड मैग्नीशियम आयन, मतलब 10 की पावर 3 ये भी है और 10 की पावर 3 ये भी। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में उठा के 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ अगर हमने क्या किया 10 की पावर 3 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन बन जाएगी कैसी, 10 की पावर 3 क्या मोल्स ऑफ मैग्नीशियम गिव्स, अब देखो 10 की पावर 3 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। ठीक है, तो 10 की पावर 3 क्या मिल जाएगा, Mg2+ और +2 × क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन्स। कोई डाउट है, इसको पढ़ना आता है आप लोग को, कैसे पढ़ोगे, 10 की पावर 3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम के एटम अगर आयनाइज हो जाएंगे तो आपको 10 की पावर 3 मैग्नीशियम के आयन्स देंगे, साथ में आपको 2 × 10 की पावर 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन देंगे। बात समझ आएगी नहीं आई? तो अगर बच्चों इस इक्वेशन को देखते हो बहुत साफ साफ आपको दिख रहा है, अगर मैं पूछूं कि 10 की पावर 3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम और 10 की पावर 3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आयन में कितना अंतर है, मतलब मास का कितना अंतर है, तो आप बोलोगे जो भी मास का अंतर है वो किसके कारण है, 2 × 10 की पावर 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण है। अब सुनो, इन दोनों के मास में ही तो अंतर निकालना है, हमको डिफरेंस निकालना है ना, तो हम किसका मास निकाल लें, 2 × 10 की पावर 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास निकाल लें। बात समझ आएगी नहीं? और वन इलेक्ट्रॉन का देखिए मास क्वेश्चन में गिवन है कितना, 9.1 × 10⁻³⁻ किलोग्राम। ओके, तो रिक्वायर्ड ये इक्वेशन दिखा देना, बस इतना इनफ है, बाकी आपको लिखना हो ना तो आप पता क्या लिखोगे, यहाँ नेक्स्ट स्टेटमेंट आप लिखोगे, पहले ये बात लिखोगे वन मोल मैग्नीशियम एटम्स डिफर फ्रॉम वन मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आयन बाय टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद क्या लिखोगे, वन की जगह क्या कर दोगे, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 मोल्स मैग्नीशियम एटम्स डिफर फ्रॉम 10 की पावर 3 मोल्स मैग्नीशियम आयन्स बाय 2 × 10 की पावर 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर उसके बाद लिख देना रिक्वायर्ड डिफरेंस इन मास, रिक्वायर्ड डिफरेंस इन मास। बच्चों ध्यान दें, कितना डिफरेंस आएगा, इतने सारे क्या मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास, बहुत ध्यान से चेक करना, ध्यान से चेक करना, पहले मैं लिख दे रहा हूँ, रिक्वायर्ड डिफरेंस जो होगा मास ऑफ, हमको क्या चाहिए, 2 × 10⁻³ क्या मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास, मास ऑफ 2 × 10⁻³ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए, मास ऑफ 2 × 10⁻³, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, मोल्स का मतलब क्या होता है, वन मोल में 6.022 × 10⁻³ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इतने सारे मोल्स में कितने होंगे, इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब तो हमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पता चलेंगे ना, तो मास ऑफ 2 × 10⁻³ × 6.022 × 10⁻³ क्या, बस अब इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे ओनली, क्या मोल्स हट गया ना, मोल्स को हमने नंबर्स में चेंज कर लिया, इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो अब एक बार बताइए, इतने सारे इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग कैसे निकालेंगे, वन इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन का मास कैसे निकालेंगे, इस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड क्यों करोगे भाई, इतने सारे तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻³, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना हो जाएगा, वन इलेक्ट्रॉन के मास से इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दो, ये इलेक्ट्रॉन का नंबर है भाई, हाँ जैसे एक बॉटल का मास अगर क्या है 5 kg है, तो 2 का क्या होगा, 2 × 5 करोगे ना, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास तुम्हें पता है और इतने सारे क्या है इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन के नंबर को 1 इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमें टोटल मास मिलेगा। बात समझ आएगी नहीं आएगी? और जो टोटल मास होगा कितने सारे इलेक्ट्रॉन का, इतने मोल्स इलेक्ट्रॉन का, इतने मोल्स इलेक्ट्रॉन्स मींस इतने नंबर ऑफ टोटल क्या है इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो वही तो डिफरेंस होगा किसमें, मैग्नीशियम के 10 की पावर 3 मैग्नीशियम के 10 की पावर 3 मोल्स एटम और 10 की पावर 3 मोल्स आयन्स में। बात समझ आएगी नहीं? ठीक है, तो इसको निकाल लो, तो क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड मास जो भी होगा फाइनली, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 9.1 × 10⁻³⁻³ से, तो आगे ही मल्टीप्लाई कर देने, इसके आगे हमने 9.1 × 10⁻³⁻³ से मल्टीप्लाई किया, 2 × 10⁻³⁸ × 6.022 × 10⁻³³ क्या आ जाएगा kg, क्योंकि यूनिट किसमें दिया हुआ है kg में। अब बस करना कुछ नहीं, इसको हमें सॉल्व करना है, तो एक काम करो, जब हमको इसको सॉल्व करना है बच्चों, तो हम एक काम करते हैं, सुनिए, हम ना 10 की पावर को पास पास ले आते हैं, नंबर को पास पास ले आते हैं, तो नंबर आपके पास क्या है, 9.1 है
और दूसरा नंबर क्या है आपके पास, 2 है, और क्या है आपके पास, 6.022 है इनटू, अब ध्यान दीजिएगा जरा, देखो एक तो ये है 10^-31 है, ठीक, और क्या है 10^3 है, और क्या है 10^26, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 10^-31 +3 और +23, करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ध्यान से चेक करो, इसको अगर हम सॉल्व करें तो पहले ये पावर वाला सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21 का क्या आ जाएगा 2, और 29 का क्या होता है 18, तो यह आ जाएगा 18.2 इंटू 6.022 इंटू 10^ कितना आ जाएगा, ध्यान से करिए जरा बच्चों, तो 23 और +3 कितना होता है 26, और -31 और +26 कितना हो जाएगा, -31 और +26 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा माइनस का, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10^-5, कोई डाउट है बताइए। अब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या होता है, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, क्या क्या नंबर है आपके पास, 6.022, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 18.2 से, तो 18.2 से क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 2 4, 2 0 0 2 6 12, ठीक है, उसके बाद 8 2 16 1, 8 2 16 + 1 17 1, 8 0 0 + 1 1, 8 6 48, ठीक है, फिर इनटू ओके, और 1 2 2 1 2 2 1 0 0 1 6 6, 4 4 + 6 10, 1 जाएगा 7 + 1 8 8 + 2 10, 1 जाएगा 2 + 1 3 + 1 4 4 + 2 6, 8 + 1 9, और 6 + 4 10, अब पीछे से देखो, देखो पीछे से 1 digit 2 3 4 4 digit, तो 1 2 3 4, तो यहाँ आएगा पॉइंट, ठीक है, यानी कि हमारा क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है 10109.6004 इन टू में क्या है 10^-5 है, ठीक है, तो 10^-5 क्या किलोग्राम। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, क्या पढ़ाया गया साइंटिफिक नोटेशन में, पॉइंट के पहले एक ही डिजिट होना चाहिए, तो ये पॉइंट आप कहां लेके आओगे, यहां 1 से पहले, तो क्या हो जाएगा 1.096004, और देखो पॉइंट आप कितने प्लेस लेफ्ट में लेके गए, 1 digit 2 digit, और जब हम प्लस माइनस पढ़ा आपने, लेफ्ट में ले आते हैं तो क्या होता है पावर में प्लस, यानी कि 10^-5 में +2 कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1.096004 इंटू 10^-5 +3 कितना होता है -3 किलोग्राम, ठीक है, अगर आप बुक में देखोगे बच्चों तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा आपका, मैं बता दूं 1.0096, यहीं पे छोड़ देंगे, बिकॉज उसके बाद 0 0 आ रहा है, उसका कोई वैल्यू है नहीं, लिखना हो तो आप पूरा भी लिख सकते हो, कोई फर्क उससे पड़ता नहीं है, ठीक है, इंटू 10^-3 किलोग्राम, तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंस बिटवीन वॉट, बिटवीन 10^3 मोल्स ईच ऑफ मैग्नीशियम एटम्स एंड मैग्नीशियम आयन, कोई डाउट है बताइए, हाँ, तो स्टूडेंट्स इसको कर लीजिए, तो इसको जिन बच्चों को देखना है तो फटाफट देख लें, कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है कर लीजिए, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 37 का जो सॉल्यूशन है स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।